हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम द वाइल्ड स्वैन्स एट कूल पोएम करेंगे, जो कि विलियम बटलर यीट्स ने लिखी है। डब्ल्यू बी यीट्स एक मॉडर्न इंग्लिश पोइट हैं, आयरिश पोइट हैं और साथ साथ एक सिंबॉलिक पोइट हैं। उनका जन्म 1865 में डब्लिन में हुआ था और वो जन्म से भी आयरिश हैं। उनके पिता एक पेंटर थे जिनका उन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। इसके साथ साथ वो इंडियन लिटरेचर और फिलोसफी से भी प्रभावित थे। उन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता 1923 में, और यह लिटरेचर के लिए उन्हें मिला था। और जो यीट्स होते हैं वह है एक लड़की मोडगोन्स के साथ प्यार में पड़ जाते हैं, बट जो है उनका यह प्यार असफल रहता है, वह उसे शादी नहीं कर पाते। और यह सब हम उनकी कविताओं में हम इसका असर देख सकते हैं। उन्होंने पोएम्स भी लिखी हैं अबाउट मोडगोन। द वाइल्ड स्वैन्स एट कूल 1919 में फर्स्ट पब्लिश हुई यह है। और जब पोइट देखता है कि स्वैंस हैं वो चेंज नहीं हुए हैं, बट टाइम के साथ उसकी में जो चेंज आ गए हैं यीट्स में, उससे वह बहुत ही दुखी हैं। पोइम शुरू करते हैं। जो पोइम के बिगिनिंग में पोइट क्या कह रहे हैं कि जो पतझड़ की सुंदरता है ना, वो कैसी है, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, वह कैसे ब्यूटीफुल है। जो वृक्ष होते हैं उनमें कितनी अच्छी सुंदरता है। कितने विचित्र हैं वो, पानी में सुंदर आकाश जो है वो प्रतिबिंबित हो रहा है और वह बहुत ही सुंदर लग रहा है। कवि वहाँ देखता है हंसों को, स्वैंस को, जो कि 59 होते हैं और 19 सालों तक अपरिवर्तित और जवान हैं। वे वैसे के वैसे हैं जैसे कि 19 ईयर्स पहले थे। अब पोइट उनको गिनना शुरू करता है और जैसे वह गिनना शुरू करता है, वह अपनी गिनती पूरी नहीं कर पाता और अचानक हंस मिलकर उड़ जाते हैं। उनके पंख जो है वो बहुत ज़्यादा शोर पैदा करते हैं और वे सारे बिखर जाते हैं। अब उड़ते समय हंस जो हैं टूटे हुए छल्लों का प्रतिरूप बनाते हैं। और तब से लेकर अब तक कवि का जो नुकसान हुआ है वह उसके लिए बहुत ज़्यादा सैड है, उदास है, अपसेट है। वह यह कह रहा है कि उसने पहली बार जब हंसों को देखा था और अब जब वह देख रहा है तो अब तक सब कुछ बदल गया है। उसे सब याद आता है कि जो उसने उनके उड़ते हुए पंखों की आवाज़ को अपने सर के ऊपर सुना था, वह उस समय वह जवान था और हल्के हल्के कदमों से चलता था। वह अपने बारे में बता रहा है कि वह उस टाइम पर जवान था। कवि जो है फिर से हंसों को देखता है और वह कहता है वे अभी भी बिना थकान के हैं, वे अभी भी प्रेमियों की तरह जोड़े बनाकर हवा में ऊंचे 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 उड़ सकते हैं। वह कहता है कि उनके दिल अभी भी बूढ़े नहीं हुए हैं, वे अपनी इच्छा से जहां भी जाएं भावनाएं और जीत अभी भी उनके साथ है और वे अभी भी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और उनमें रहस्यमय और सुंदर भी दिख रहे हैं जब वह शांत पानी पर तैर रहे हैं। पोइट कहता है कि एक दिन वह भी आएगा जब वह जागेगा तो देखेगा कि वे उड़ गए हैं। वह हैरान होता है, ही वॉन्डर्स वेयर दे विल गो एंड वेयर दे विल डिलाइट मैंस आइज बाय बिल्डिंग होम बाय द साइड ऑफ सम लेक और पूल। जो पोइट है उसे हैरानी होती है कि वे कहाँ जाएंगे, किसी झील या तालाब के किनारे पर घर बनाकर वे कहाँ मनुष्य की आंखों को आनंद पहुंचाएंगे। यीट्स की जो यह पोएम है द वाइल्ड स्वैन्स एट कूल, इसमें जो कवि है वह बूढ़ा है, उदास है और जो हंस हैं वे जवान और खुश हैं। और इन सब के बीच में तुलना की गई है, उसने खुद में और स्वयं स्वैन्स जो होते हैं उनके आपस में तुलना की है। जो कवि कहता है कि जो यह हंस हैं ये नश्वर भी हैं, अमर भी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वे दूसरे प्राणियों की तरह मरते हैं। बट कवि जो है अपनी उनके साथ कंपैरिजन कर रहा है, वह पाता है कि जो 19 इयर्स का जो गैप होता है उनके बीच, उनमें कितना डिफरेंस आता है। वे आज भी जवान और तरोताजा हैं, बट जो पोइट है वह बूढ़ा हो गया है, उसकी स्थिति माइजरेबल हो गई है। ये हंस समय और अनंतता के प्रतीक हैं। टाइमलेसनेस के प्रतीक हैं। और इस पोयम के शुरू में जो पोइट है वह अक्टूबर की एक रात का डिस्क्रिप्शन।